नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमने बचपन में स्कूल में त्रिकोण, षटकोण, अष्टकोण आदि आदि अनेक कोणों के बारे में पढ़ाई की, लेकिन एक कोण बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और वो कोण है दृष्टिकोण। क्योंकि दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करता है। हम जीवन के प्रति कैसा नज़रिया रखते हैं, व्यक्ति के प्रति, वस्तुओं के प्रति या फिर परिस्थितियों के प्रति हम किस नज़रिए के साथ चलते हैं, वो हमारे जीवन में या तो हमें शिखर की ओर ले जाता है या फिर जीवन को निराश करते हुए रसातल की ओर हमें धकेल देता है। इसलिए मित्रों, जीवन में कैसी भी बात हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हम अपने दृष्टिकोण पर ज़रूर कार्य करें। और आज के सुवाक्य में इसी दृष्टिकोण पर सुंदर चर्चा हो रही है, आइए सुनते हैं। ओम शांति। सुप्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि अवसर तेरे सामने खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल। अरे भारत, उठ, आंखें खोल। अक्सर देखा गया है कि इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में, रोज की उलझनों में अपना बहुत सारा समय व शक्ति व्यर्थ गवा देता है। वह भूल जाता है कि इतने बड़े सृष्टि रंगमंच के समक्ष ये तो मात्र कुछ सीन है, कुछ लम्हे हैं। यदि बेहद के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने, हमारी इतनी बड़ी जिंदगी के सामने इनकी अहमियत कुछ भी नहीं है। तो जब भी जिंदगी में आपके सामने कोई बड़ी बात आए तो विश्व के ग्लोब को अपने सामने रख लेना, आपकी बड़ी बात खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि यदि किसी की दृष्टि खराब हो तो फिर भी उसका इलाज किया जा सकता है, संभव है, लेकिन यदि किसी का दृष्टिकोण ही खराब हो तो उसका इलाज करना असंभव सा हो जाता है। इसीलिए इस पर बहुत कार्य हम ज़रूर करें, क्योंकि दृष्टिकोण का सही होना, पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि किसी ने चांद में भी दाग देख लिया और किसी ने कीचड़ में भी कमल देख लिया, नज़रिए का ही तो अंतर है। इसलिए कहते हैं कि नज़र को बदलो ताकि नज़ारे बदल जाएं। हम अपने इस दृष्टिकोण को ज़रूर परिवर्तित करने का लक्ष्य रखें मित्रों, ताकि हम हर चीज़ में अच्छाइयाँ देखते हुए आगे से आगे बढ़ सकें। नमस्कार। पॉजिटिव जरूर सोचना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, परंतु कई बार आप देखना कि अनजाने में व्यक्ति को भी पता नहीं होता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। भले आप स्वमान को अच्छा रखो, अपने आप को अच्छा समझो कि भी मेरे में यह गुण है, मैं ये हासिल कर सकता हूं, जो लक्ष्य रखे है वो हासिल होने ही वाले है। लेकिन जो कहेंगे कि अपनी प्रशंसा कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, आप देखना कई लोग हैं ना, वो बोलते रहते हैं, उनसे बात भी करो तो बोलेगा हाँ मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं। वो बार बार कहेंगे कि अपनी प्रशंसा करता रहता है, परंतु इसका नेगेटिव प्रभाव अंदर में भले रखो, स्वमान होना चाहिए, परंतु बार बार औरों को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आपको मैं प्रकृति से कुछ समझाना चाहता हूं कि जो फूल से खुशबू आती है, क्योंकि खुशबू से ही मालूम पड़ जाता है कौन सा फूल है। फूल को बोलना नहीं पड़ता कि मैं गुलाब का फूल हूं, मैं मोगरे का फूल हूं। जो खुशबू है उसी से शायद व्यक्ति ने देखा भी नहीं है तो भी हो सकता है कि एक थोड़ा अनुभवी व्यक्ति समझ जाएगा यह कौन सा फूल है। तो ऐसे जो मैसेज है मेरा कि स्वमान जरूर अच्छा रखो, आप में जो भी गुण है, क्वालिटी है, वह भी डेवलप करते जाओ, परंतु
दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। और भले बोले, ये हो सकते कि आप कहीं खड़े हैं तो आपका कोई फ्रेंड बोल दे कि ये ऐसा है, इसमें आत्मविश्वास है, तो ठीक है, लेकिन आप नहीं बोलो। आप बोलेंगे तो पॉजिटिव के बदले वास्तव में नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। कोई ये भी सोचेगा कि देखो अपनी बातें कर रहा है, या तो कोई ये भी सोचेगा कि ये ईगो वाला, ये अहंकारी है, तो इसलिए अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर में जो हमें गुणों को डेवलप करना है वो करते जाओ, और जो आपके वाइब्रेशन है, आपकी क्वालिटीज है, आपके कर्म है, वही एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि इसके अंदर यह शक्तियां, यह गुण है। नमस्कार मित्रों। कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी दिखाई देती हैं। यदि दो तरफ व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक को 6 दिखाई देता है और दूसरे को 9 दिखाई देता है, दोनों अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन यदि इस साइड वाला ये कहे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, उस साइड वाला ये कहे कि तुम गलत कह रहे हो, तो आपस में लड़ाई हो जाती है। एक बॉल है, एक तरफ से सफ़ेद है, दूसरे तरफ से ब्लैक है, इधर वाले को सफ़ेद दिखाई देगा, इधर वाले को ब्लैक दिखाई देगा। इसलिए मित्रों, हम दूसरों के नज़रिए को भी समझने का ज़रूर प्रयास करें, उनकी जगह पर खड़े होकर के सोचने और देखने का प्रयास करें, तो हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ पाते हैं। कई बार केवल अपनी ही बातों तक सीमित रहना, मेरे मुर्गे की एक टांग वाली स्थिति जिसको कहते हैं, वो हमारी उन्नति और प्रगति को रोक देता है। इसीलिए किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड, अर्थात आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे ये आपका दृष्टिकोण ही तय करता है। इसीलिए केवल अपनी दृष्टिकोण तक सीमित नहीं, लेकिन औरों की जगह पे खड़े होकर के भी आज से सोचने का सुंदर प्रयास कीजिएगा। आप पाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी, जैसे हमारे विशिष्ट जन अपने जीवन में करते आए हैं, कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ विशिष्ट जन की बातें विशेष में कौन है अपने सुंदर अनुभव के साथ। आपने वैल्यूज़ की बात कही कि आजकल जो ठीक है, हम बाहरी तौर पे सारी सुविधाएं देते हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना तो कार्य चलेगा नहीं, लेकिन जो मूल्यों की बात है, वो मूल्य शिक्षा आजकल कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस से गायब है। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि ये जब आप लेके गए कुछ मूल्यों की बात, ले गए अच्छी बातें लेकर के गए, तो कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा और आपके अनुभव कैसे रहे? बहुत सुंदर प्रश्न है रूपेश जी। वैल्यूज के बिना तो सुना संसार जी, अगर खाली हार्डवेयर होगा और सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम बारी बारी हमें गाइड करते रहते थे, मेंटर करते रहते थे, प्रोग्राम्स में आते थे। तो मैंने एक बार उनको पूछा कि सर दुनिया बदलनी है, हिंदुस्तान से शुरू करना है, कैसे करें? तो वो थोड़ा हंसे और मुझे गुज्जू भाई बोलते थे, गुज्जू भाई तू दुनिया बदलेगा? मैं बोला हाँ। तो मैंने सोचा बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, एजुकेशन इंप्रूव करो, हेल्थ इंप्रूव करो, करप्शन कम करो, मैंने सोचा ये सब बातें बताएंगे। उन्होंने बोला घर जाके अपनी माता को स्माइल करा। मैंने बोला मेरी माता स्माइल करेगी तो देश कैसे बदलेगा? मैंने बोला अगर आपकी माँ खुश होगी, यानी अगर लेडी इन द हाउस इज हैप्पी, हु विल बी हैप्पी? मैंने बोला मेरे पिताजी। अगर आपके माता पिता दोनों खुश है तो? मैंने बोला मैं और मेरा भाई, फिर सोसाइटी, फिर शहर और देश। तो हम तकरीबन 3-4 लाख बच्चों से लिखवाते थे, मेक योर मदर स्माइल का कैंपेन करते थे। अच्छा। कोई बोलता था कि मैंने मम्मी के लिए पिगी बैंक तोड़ के ड्रेस लेके आई, वो 2 साइज बड़ी थी पर मम्मी ने बोला ये तो मैं रख ही लूंगी। किसी ने मैंने ढोकला बनाया बहुत खराब था पर मम्मी प्यार से खा गई। किसी ने मम्मी के पैर दबाए, सुबह से रात काम करती तो दुखते हैं उसके। किसी ने मम्मी के लिए मैंने कविता लिखी, और जो बेस्ट 50 कहानियां होती थी उसको कलाम साल में 2 बार आके बच्चों के साथ और उनकी माताओं के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो वहाँ से हमें वैल्यूज एजुकेशन का पिकअप हुआ। और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्लास मैथ्स और साइंस से ज़्यादा है संस्कार सींचना। और मेरा मानना है ग्रेटिट्यूड एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है, और कुछ भी चीज़ की अगर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे राजयोग की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे थाट्स कम होंगे एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल गेट द राइट थाट्स। सिमिलरली आई थिंक क्रिकेटर होता है वो भी क्रिकेट की 4 घंटे प्रैक्टिस करता है। अगर इवन दिन में 10 मिनट, और हमने शुरुआत की थी ग्रेटिट्यूड से, आप रात को सोने से पहले खाली 10 चीज़ें बच्चों लिखो जो आज दिन में अच्छी गई थी,
तो कोई बोलता था थैंक यू मेरी आँखें मुझे दिख सकता है, मेरी टीचर ने आज मुझे बोला शाबाश, मेरी फ्रेंड गिर गई थी मैंने उसको उठाया उसने मुझे थैंक यू बोला, वो जो कूड़ा लेने आता है हमारे घर के बाहर उसको लोग अछूत बोलते हैं, मैंने जाके पानी का ग्लास दिया उसके मुंह पे बहुत अच्छी स्माइल थी, धरा के मम्मी को झाड़ू लगाने में मदद की। तो छोटी छोटी स्टोरीज आने लगी, हम देखने लगे कि बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश रहते ही है, हमें तो उनसे सीखना है। बट दे बिकेम सो ग्रेटफुल दैट द फैमिली द टीचर्स एवरीबॉडी स्टार्टेड बिकमिंग हैप्पियर। तो पीपल आर ओपन राइट नाउ, क्योंकि लोग इतने दुखी है कि दे आर ओपन कि कोई आके हमें कुछ वैल्यूज का कुछ सिखाए। बच्चे टीचर्स पेरेंट्स एवरीबॉडी इज ओपन, ये बहुत अच्छा समय है वैल्यूज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। मित्रों, हर बात के सकारात्मक पहलू को देखने का एक सुंदर नजरिया यदि विकसित कर लिया जाए तो सचमुच जीवन में हमारे आनंद को कोई भी नहीं छीन सकता। मान लीजिए मैं बीमार हो गया, उस बीमारी में भी मैं क्या अच्छी बातें लेकर के बाहर आ सकता हूँ? मेरे सामने कोई विपरीत सिचुएशन आ गई, वहाँ से मैं क्या सीख करके आगे जा सकता हूँ? यदि ये एक नज़रिया गलत बातों में जो गलत दिखाई दे रही हैं, विपरीत बातें जो विपरीत दिखाई दे रही हैं, वहाँ से भी कुछ अच्छी बातें मैं लेकर के यदि निकल सकता हूँ, ऐसा अपना नज़रिया रख सकता हूँ, तो मेरा जीवन आनंद और सफलता से भरपूर रहेगा। और ये कैसे संभव हो सकता है? यही एक आध्यात्मिक नज़रिया, यही एक सुंदर चश्मा ब्रह्म कुमारी संगठन हर एक को सौगात में प्रदान करता रहता है। आइए देखते हैं ब्रह्म कुमारी इसकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में एलुरु चैप्टर Y20 प्रोग्राम का भव्य उद्घाटन सर सी आर रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। इसमें एलुरु जिला के जॉइंट कलेक्टर श्रीमती लावण्या लेनी ने प्रोग्राम का उद्घाटन किया। एलुरु सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लावण्या बहन ने संस्कार संस्था के द्वारा होने वाले कार्यों के बारे में अवगत कराया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मधुबन से पधारे डॉक्टर प्रेम मसंद भाई ने हेल्थ वेलबीइंग और स्पोर्ट्स के बारे में सुनाया। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हेल्थी वुमेन हैप्पी फैमिली का कार्यक्रम हुआ, जिसमें अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर श्रीमती सूर्य चक्रवेणी उपस्थित रही। डॉक्टर प्रेम मसंत जी ने महिलाओं को होने वाले कैंसर की बीमारियों के बारे में अवगत कराया। इस कार्यक्रम में 120 महिलाएं तथा कई गणमान्य महिलाओं ने भाग लिया। मित्रों, आज बेहद के नजरिए पर ही हमारी सुंदर चर्चा हो रही है। सचमुच इस पर जरूर कार्य कीजिएगा थोड़ा सा एकांत में बैठकर। एक फादर अपने छोटे बच्चे को विलेज में ले गए ये दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं। जब एक दिन दो दिन तीन दिन वहाँ स्पेंड करके वो रिटर्न आ रहे थे तो फादर ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ तुमने क्या देखा और क्या सीखा। बेटे ने कहा पिताजी हम लोग कितने गरीब हैं, देखिए हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और गांव वालों के पास कितना बड़ा सा स्विमिंग पूल है, बड़ा सा तालाब है। हमारे घर में हम छोटी छोटी दो चार लाइटें लगाते हैं लेकिन वहाँ तो मैंने देखा कि पूरे आसमान में कितनी सारी लाइटें चमक रही थी, सारी जो चमकते हुए टिमटिमाते हुए सितारे थे उसे देख कर बच्चे ने यही सीखा। उसने कहा पिताजी हमारे घर में तो दो तीन डॉगी हैं लेकिन गांव में तो कितनी सारी डॉगीज थे, वो लोग हमसे कितने अमीर हैं। सचमुच नज़रिया ही तो है। पिताजी कुछ और दिखाने के लिए लेके गए थे लेकिन बच्चे का नज़रिया कुछ और था, उसने वहाँ से कुछ और उठाया। लोग जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है हम भी उसी नज़रिए से देखें, हम अपने नज़रिए को ऊँचे से ऊँचा कर सकते हैं। और जब ये नज़रिया ऊँचा होता है हमारा जीवन ऊँचा होता चलता है, विचार ऊँचे होते चलते हैं और हमारी राह भी आसान और ऊँची होती चलती है। तो इस पर ज़रूर आज विचार कीजिएगा और आगे से आगे बढ़ते चलिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।